बॉर्डर को जाम करेंगे। उसी के मुताबिक यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर को जाम किया जा रहा है, यानी अब नोएडा से दिल्ली आने वाले लोगों को या दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बात भी करते हैं सर, ये बताइए अभी तो आपसे पुलिस बात कर रही थी लगातार, आप देखिए किस तरह से जो ट्रैक्टर है उसे बीच में लगा दिया गया है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ है वो लगा दी गई है और इसे बंद किया जा रहा है। सर पुलिस लगातार आपसे बात कर रही थी, आप क्या बंद कर रहे हैं? काम कर देंगे पूरी तरीके से। पुलिस आपसे बात कर रही थी, पुलिस बात कर रही थी अभी? कोई बात नहीं कर रही, अगला आश्वासन दे रहे योगी और मोदी की तरीके से, कोई बात नहीं मानने वाला। कोई नहीं मानने को तैयार, हमारे लोगों को अभी भी रोका गया आगरा में, इसलिए आज हम लोग जाम करेंगे, बंद कर देंगे पूरी तरीके से। आज पूरी तरीके से दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों को भारी परेशानी होगी। देखिए आप भी ट्रैक्टर जो है वो बीचों बीच सड़क के लगा दिया गया है और यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो रुक गया है, क्योंकि लगातार ट्रैफिक जो है वो यहाँ से जा रहा था। हालांकि कुछ ही समय पहले चिल्ला बॉर्डर को खोला गया था, लेकिन आज जिस तरह से भारतीय किसान यूनियन ने चेतावनी दी थी कि वो बंद करेंगे, उसके तहत यहाँ पे बंद भी कर दिया गया है। अब लोग आप देखिए किस तरह से यहाँ पर उन्हें परेशानी होगी, क्योंकि पूरा जाम जो है यहाँ पे लग चुका है। हालांकि पुलिस लगातार किसानों से बात कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उसका भी कोई समाधान नहीं निकला है और यहाँ पे लोगों को जो है अब परेशानी में फंसना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आप सामने जो है ये नोएडा जाने वाला रास्ता है और अब इसे बंद कर दिया गया है। अब ये लोग यहाँ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ेगा। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24।